मेरा नाम है अरुल, मेरा विवाह हो गया है, दो बेटे और एक बेटी है, धर्मपुरी जिले में रहते हैं, सोनमबट्टी गांव में रहते हैं और मैं दिहाड़ी मजदूर हूँ। हमारा परिवार मसीह नहीं था। हमारा बड़ा बेटा 14 साल का है और छोटा बेटा 13 साल का है। बड़े को 6 साल की उम्र से ही फिट शुरू हो गए और उसके एक ही साल बाद छोटे को भी फिट आना शुरू हो गया। जब भी उसे फिट आता था, हाथ पांव कांपने लगते उसके और सिर ऊपर की ओर हो जाता। अगर फिट शुरू हो गए तो तब से हर 5 मिनट में 10 बार हो जाता था। बहुत पीड़ादायक होता था। रात के समय आता, सुबह आता, उसका कोई वक्त नहीं होता था। बाथरूम में जाता तो गिर जाता, घर में भी गिर जाया करता था। यहाँ वहाँ मार लग जाते थे उसके। जब फिट्स आते तो वो ही नहीं जान पाता क्या हो रहा है। खेलते समय तो वो एक बार ड्रेनेज में भी गिर गया था। यहाँ काफी ड्रेनेज होते थे, उसमें भी एक बार गिर गया था वो। बहुत परेशानी झेली है मेरे बच्चों ने फिट्स के कारण बार बार, और ये फिट लगातार आने शुरू हो गए थे मेरे बेटे को। उसे मैं बिल्कुल बाहर नहीं भेजती। अगर बाहर जाता तो कहीं भी खड़ा नहीं हो पाता था, वैसे ही गिर जाता था फिट के कारण। उसे कोई उठाने भी आगे नहीं आता था। मैं ही बाहर जाकर उसे उठाकर घर ले आती थी। और फिर कुछ दिनों बाद मेरे छोटे बेटे को भी वैसा ही हो गया। जब वो ठीक रहता तो इसे आ जाता, और छोटा ठीक हो जाता तो बड़े बेटे को भी आ जाता था। और हमेशा ये देखा गया कि अमावस्या के 2 दिन के पहले जरूर फिट्स आ जाता, जरूर आ जाता था। खाना नहीं खाता, उल्टियां होती थी। कुछ नहीं खाता था पर उल्टियां होती रहती। बड़े बेटे को ज्यादा नहीं होता था उस समय, लेकिन छोटा बहुत दर्द में रहता। फिट्स जब आता था उसे तो हाथ पैर खींच जाते थे। दोनों को वैसे ही होता था। बच्चों के साथ जहर खाकर हम सब मर जाए, ऐसे विचार आ जाते थे। रहकर क्या करे, हम पांचों मर जाने का विचार आता। ऐसा कोई अस्पताल नहीं बचा जहाँ हम लोग नहीं गए। मुझे ऐसा ही लगता, हर बच्चों की तरह हमारे बच्चे क्यों नहीं है। बहुत दुख होता था मन में। हमने पूजा करके मांत्रिक ताबीज बनाकर इसे पहनाया और फिर मंदिर में 10-15 हजार खर्च होते हैं। मेरे पास जो कुछ था मैंने खर्च कर दिया था। पर फिर एक बार मेरी बहन ने कहा, बहन ने बताया था कि आओ प्रार्थना करें, ये कार्यक्रम टीवी पर आता है। तब मैंने कहा, यीशु का तो नाम भी हमें बिल्कुल नहीं पसंद है और आप वही कार्यक्रम देखने के लिए कह रही हो, हम कैसे करें। मैंने कहा, इतनी कोशिश कर ली, आओ प्रार्थना कार्यक्रम में क्या होने वाला है। मैंने कहा, नहीं बहन, क्रिश्चियन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं उनके आगे दंडवत नहीं करूंगी। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। पर उसने कहा, तो सिर्फ वो कार्यक्रम देख। तब मेरे पति ने वो कार्यक्रम लगाया और हम परिवार के साथ उस कार्यक्रम को देखने के लिए बैठ गए थे। क्या इसके द्वारा हमें छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सोच कर कि हम लोग वो कार्यक्रम देख रहे थे। और उस कार्यक्रम में हम लोगों ने काफी गवाहियां देखी, कई परेशानियों को लेकर, बीमारियों को लेकर, तरह तरह की बीमारियां, फिट्स के लिए भी छुटकारा है, ऐसे उन्होंने प्रार्थना की। यीशु मसीह के नाम में इस बच्चे के फिट्स का रोग दूर हो जाए। अनेक लोग जो आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं वो यीशु देख रहे हैं। हे परमेश्वर, दुख के साथ रोने वाले इन बच्चों पर तरस खाइए। पिता, इस बेटी को स्पर्श कीजिए, इस छोटी बच्ची को स्पर्श कीजिए, चंगाई दीजिए, मौत की शैया बदल जाए, चमत्कार हो जाने दे, छुटकारा मिल जाए। आप स्पर्श कीजिए पिता। हमारे बच्चों को छुटकारा मिलना चाहिए, आप हमें चंगाई दीजिए, हमारे लिए कुछ कीजिए परमेश्वर। सभी को आप छुटकारा देते हैं, हमें भी छुटकारा चाहिए प्रभु यीशु। इस तरह प्रार्थना करने के लिए कहा हमने प्रार्थना की। हे यीशु, आपकी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। हर एक घर में तेरी उपस्थिति भर जाने दे, तेरी ज्योति चमक दे। आप इनके घर जाकर स्पर्श करके चंगाई दीजिए। हम लोगों ने जैसे ही प्रार्थना की, मेरे बच्चे को छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, तब से उसे फिट्स बिल्कुल नहीं आया। सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करने के बाद मेरे बच्चों को अब कोई परेशानी नहीं है। फिट नाम की कोई चीज नहीं है। वो स्कूल जाते हैं, दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल कर बहुत अच्छी तरह खेलते हैं और बहुत ही खुश हैं अब वो। मेरे दोनों बच्चों को अब कोई फिट्स नहीं आता, दोनों बच्चे अब चंगे हैं। अब मेरे परिवार में बहुत ही शांति है। उन्होंने कहा, सुबह प्रार्थना कीजिए और फिर बच्चों के साथ मिलकर परिवार के साथ प्रार्थना कीजिए, और वैसे ही हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं। दोनों बेटों को फिट्स की बीमारी से चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।